आकांक्षा फोर्टी 2022 में एडमिशन लेने के लिए क्या जाति स्थानीय और आय होना जरूरी है? क्या इन डॉक्यूमेंट के बिना मेरा एडमिशन नहीं हो सकता? कहीं प्रॉब्लम हो सकता है क्या एडमिशन लेते समय? तो सारी डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले बहुत ही अच्छे से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निरंजन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीच फॉर टैलेंट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, देखिए आप लोगों ने तो आकांक्षा फोर्टी 2022 का एग्जाम दे दिया है, अब तो सिर्फ आपको रिजल्ट का इंतजार होगा। 26 जून को ऐसा ये एग्जाम था और ख़त्म भी हो गया। ओके, तो आगे आपको रिजल्ट का इंतजार होगा। ओके, तो चलिए हम जानते हैं कि क्या जाति स्थानीय और आय होना जरूरी है, क्या इनके बिना एडमिशन नहीं होगा मेरा, कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए अगर आप जनरल है तो कास्ट तो नहीं चाहिए, ठीक है, जनरल के लिए कास्ट नहीं चाहिए। ओके, लेकिन अगर आप EWS में आते हैं तो जनरल के लिए EWS सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो वहाँ पर EWS अगर सेलेक्ट किए हैं तो आप EWS सर्टिफिकेट बना लीजिए। ओके, और देखिए जो ये सब सर्टिफिकेट है EWS, ठीक है, EWS जो कि जनरल में अगर चूज किए हैं तो EWS सर्टिफिकेट लगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट जो कास्ट यानी BC1 किसका किसका लगेगा, जो OBC में आते हैं इसमें BC1 एगो आता है, एगो BC2 आता है। ओके, तो ये सब आते हैं SC ST, तो ये सब अगर आप हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ही। ओके, और रेसिडेंट भी लगेगा, रेसिडेंट सब के लिए लगेगा, इसको हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं रेसिडेंट को, इसको हिंदी में हम लोग स्थानीय भी बोलते हैं। ओके, और एक और सर्टिफिकेट होता है जो कि इनकम सर्टिफिकेट होता है। ओके, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन आप बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत कम टाइम बन जाता है तो इसका टेंशन नहीं लेना है। आगे हम आपको बताएंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट है सो कितना दिन में आपको बन जाएगा, और बताएंगे भी कि कैसे बनाना है आपको, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा तो आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका बन के आ भी जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से जानते हैं। और रेसिडेंट सर्टिफिकेट तो सबको लगने वाला, ठीक है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट सबको लगने वाला है, ये जरूरी बहुत है। ओके, और जो एक और है वो इनकम सर्टिफिकेट। ओके, इनकम सर्टिफिकेट ये भी आप बना लीजिएगा, बहुत कम टाइम बन जाता है तो आप घर क्यों बैठे हैं, कुछ बना ही लीजिए। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आकांक्षा फोर्टी में मेरा एडमिशन हो जाएगा तो आप ज़रूर बना लीजिए। और एक और है सो कास्ट, कास्ट है सो किसके लिए ज़रूरी है, जो सिर्फ BC1 BC2 या फिर SC या ST में आते हैं उनके लिए। ओके, ये है सो जनरल के लिए नहीं लगता है क्योंकि जनरल में कोई छूट नहीं मिलता है। अगर आप EWS चूज किए हैं जनरल में तब है सो यहाँ पर छूट कुछ मिलता है, ठीक है, तो आप ये भी सर्टिफिकेट बना लीजिए। देखिए अगर आपको छूट लेना है तो ये सब सर्टिफिकेट तो आपको दिखाना ही पड़ेगा वहाँ पर, ऐसा ही थोड़ी ना आपको है सो वहाँ पर छूट मिल जाएगा कि आप है सो इसमें आते हैं खाली बोल दिए तो नहीं, वहाँ पर सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर देखा जाएगा, चेक करा जाएगा। अगर आप मान लीजिए BC1 में आते हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आप सोचते हैं कि हम जनरल से ही एडमिशन ले लें तो ऐसा नहीं होगा। आप फॉर्म भरते समय ऐसे BC1 सेलेक्ट किए हैं तो आपको BC1 का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा वहां पर। ओके, तभी आपका एडमिशन होगा। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे यह सर्टिफिकेट बनाना है और कौन से लेवल का सर्टिफिकेट चलेगा। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं ये है सो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हैं सर्टिफिकेट ये सो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है। ओके, तो देखिए इसका वैलिडिटी कितना रहता है, ये भी किसी किसी बच्चों का डाउट रहता है कि इसका वैलिडिटी कितना रहता है। तो देखिए जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है और कास्ट सर्टिफिकेट होता है इसका कोई वैलिडिटी नहीं होता झारखंड में। ओके, इसका कोई भी वैलिडिटी नहीं रहता है, एक बार आप बना लीजिए आपका सो वो चलते रहता है। ओके, लेकिन देखिए नॉर्मली ऐसा अगर आपका 5 साल पुराना तो चलेगा। ओके, और ये जो कौन सा लेवल का होना चाहिए, देखिए कम से कम तो CO का होना चाहिए, ठीक है, CO का अगर आपका है तो आपका सो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। CO मतलब वो है सो ब्लॉक में बैठते हैं, सर्कल ऑफिसर ही बोलते हैं उसको। देखिए ये जो सर्टिफिकेट है वो है सो CO से ही बना। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है ऑफिसर ऑफ द सर्कल ऑफिसर। ओके, तो ये CO से बना है। और आगे देखिए एक और डॉक्यूमेंट है जो कि मेरा आय है, इनकम सर्टिफिकेट। ये देखिए ये सर्टिफिकेट है सो सिर्फ 6 महीना का वैलिडिटी होता है। ओके, देखिए मेरा है सो कहीं ना ये सर्टिफिकेट जारी हुआ था 25/11/2021 को ऐसे मेरा सर्टिफिकेट आया था। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए क्लियर लिख दिया है इनकम में कि ये सर्टिफिकेट है सो 24 मई तक ही वैलिड है 2022 में। ओके, इसके बाद है सो आपका सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं रहेगा, आपको फिर से इनकम सर्टिफिकेट बनाना रहेगा। तो जो इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडिटी रहता है वो सिर्फ 6 महीना होता है, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट का सिर्फ 6 मंथ्स का ही वैलिडिटी रहता है, इसके बाद ऐसे एक्सपायर हो जाता है, आपको दूसरा बनाना होता है। ओके,
तो हम 1 लाख का देखिए इनकम सर्टिफिकेट बनाए थे। इसके लिए ऐसा आपको क्या क्या जरूरी पड़ता है डॉक्यूमेंट इनकम बनाने के लिए, एगो एफिडेविट पड़ता है, ओके एफिडेविट आप जाइएगा वहाँ पर तो आपको सब बता देगा, ठीक है, जहाँ अप्लाई कीजिएगा। ये सब अप्लाई है सो आप CSC सेंटर में जाकर करा सकते हैं, कोई भी जहाँ पर ऑनलाइन होता है वहाँ पर जाकर आप करा सकते हैं अच्छे से, ओके इसमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देखिए ये सब जो सर्टिफिकेट है वो आप है सो CEO लेवल का बनाएगा, ठीक है, जितना भी सर्टिफिकेट बनाइएगा वो सो सिर्फ है सो CEO लेवल का बनाइएगा, ओके। ये सर्टिफिकेट CEO लेवल का इसलिए बनाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी है सो आपका CEO लेवल का बन जाता है। देखिए अगर आपका सर्टिफिकेट है सो कोई एक ही जगह लटका कर रखा है तो आप है सो वहाँ पर जाइए जहाँ आपका ब्लॉक है, ठीक है, जहाँ आपका ब्लॉक है वहाँ पर जाकर के है सो एक CEO बैठ जाए, ठीक है, इसको हम लोग सर्कल ऑफिसर बोलते हैं, तो जहाँ CEO बैठते हैं वहाँ पर जाइए उनके कैबिन में जाइए, वहाँ पर आपको बोलना होगा देखिए हम है सो जाति या स्थानीय जो भी अप्लाई किए होंगे, ठीक है, या सब अप्लाई किए होंगे, तो वहाँ पर जाके बोलिए कि मेरा है सो कास्ट सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना, हम अप्लाई किए थे, तो वो चेक करेंगे और आपका सर्टिफिकेट है सो तुरंत है सो आगे बढ़ा देंगे और 1-2 दिन में आपका बन जाएगा, ओके। तो नॉर्मली है सो देखिए स्थानीय के लिए सो 15 दिन से 20 दिन तक ज़्यादा नहीं लगता, ठीक है, अभी टाइम आपके पास है, ओके, तो आप जल्दी बना लीजिए, कल चल जाइए, ठीक है, वेट नहीं करना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप तुरंत बना लीजिए क्योंकि आगे एडमिशन में दिक्कत होने वाली है। 15 से 20 दिन में ऐसो कास्ट भी बन जाएगा आपका, रेसिडेंट भी बन जाएगा, इनकम भी बन जाएगा, ओके। तो ये सब आपको ध्यान देना है और आपको सिर्फ CEO से बनाना है क्योंकि जल्दी बन जाता है, ओके। अगर आप SDO से बनाएगा, DC से बनाएगा तो 3 से 4 महीने लगने वाला है, तो आप इतना क्यों बनाएगा जब आपका काम है सो CEO से ही चल जा रहा है, ओके, तो CEO से ही आप बनाइएगा, ओके। देखिए ये एक बच्चा ने कमेंट किया था कि मेरा है सो कास्ट सर्टिफिकेट 2019 का था, ठीक है, तो क्या मेरा है सो अभी चलेगा, तो देखिए हाँ जरूर चलेगा क्योंकि उसमें नहीं लिखा रहता है कि आपका सर्टिफिकेट है सो सिर्फ इतना ही तक ही वैलिड है, इनकम में लिखा रहता है, ठीक है, इनकम आपको देखा है कि सिर्फ 6 महीना का रहता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि दिस सर्टिफिकेट इज वैलिड इतना तक, ठीक है, तो आपके इनकम में जरूर लिखा रहेगा क्योंकि 6 ही महीने तक इसका वैलिडिटी रहता है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है, रेसिडेंट को हम लोग स्थानीय या डोमिसल सर्टिफिकेट ही बोलते हैं, उसका है सो वैलिडिटी नहीं रहता है, ओके, तो नॉर्मली 5 साल के बाद है सो वैलिडिटी उसका ख़त्म ही हो जाता है, लेकिन लिखा नहीं रहता कि इतना तक रहेगा, लेकिन 5 साल के बाद हमें चेंज कराना चाहिए, ओके, तो इतना पुराना आपके पास तो नहीं होगा, 5 साल 6 साल पुराना, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट और है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा बहुत ही अच्छे से, ओके, कमेंट में भी बताया जाएगा छोटा अगर डाउट रहेगा तो, और अगर कहीं बड़ा डाउट है तो उसके लिए हम वीडियो भी बना देंगे सेपरेट। और जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट पूरा लगेगा, ठीक है, यानी ये सब कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम और रेसिडेंट तो लगेगा ही, और जो सर्टिफिकेट लगने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे, तो वो सर्टिफिकेट है सो आपके पास होगा, ओके, तो वो सभी आप अच्छे से अपने पास रखिएगा, ओके, तो वो सभी बताएंगे अगला वीडियो में, ठीक है, सेपरेट वीडियो आने वाला है। अगर आपका कोई और डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बताइए, अगला वीडियो में वो भी ऐड कर लेंगे, उसमें बता देंगे, ओके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, अपने बड़ों का ख्याल कीजिए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।